हाय फ्रेंड्स, नमस्ते टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। आज हम लोग जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं, आर एस अग्रवाल मैथ बुक्स के क्लास 10 का एग्जांपल 1 है। ठीक है, तो क्वेश्चन कह रहा है कि शो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2m एंड दैट एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2m प्लस 1 वेयर m इज सम पॉजिटिव इंटीजर। अब देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि दुनिया में जितने भी पॉजिटिव इवन इंटीजर हैं, दुनिया में जितने भी पॉजिटिव इंटीजर सभी जो है 2m के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, और जितने भी ऑड इंटीजर है वह 2m प्लस 1 के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। जहां पे m जो है कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है, या तो ऑड भी हो सकता है या इवन हो सकता है। तो आपको प्रूफ करके दिखाना है कि 2m जो है, 2m फॉर्म का जो भी इंटीजर है वह सभी इवन होंगे, और 2m प्लस 1 के फॉर्म में जो भी इंटीजर है वह हमेशा के हमेशा ऑड ही होंगे, कभी इवन नहीं हो सकता। ठीक है, देखिए यह बात आती है, मैं समझाता हूँ। m बोला है कोई भी इंटीजर, यहां समझिए, अगर हम मान लेते हैं m जो है अगर ऑड इंटीजर हो जाए, ठीक है, ऑड समझिएगा इंटीजर हो जाए, ठीक है, इंटीजर हो जाए, तो अगर ऑड इंटीजर मान लेते 3 हो गया, अगर इस 3 को जो है अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करते हैं क्या हो गया 6 हो गया, तो इस 6 को आप लिख सकते हो 2 × 3, देखिए, और इस 3 को जो है क्या हो गया, m का वैल्यू लिया है 2m लिख सकते हो। अगर आप मान लेते हैं इवन ही लेते हो, चलो हम 6 ले लिया, 6 इवन है, अब इसको आप 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो कितना हो गया 12 आ गया, इस 12 को 2 × होता है 6 लिख सकते हो, 2 × 6, तो 6 आपका m हो गया और 2। देखिए, आप जो कोई भी इंटीजर ले लो, कोई भी इंटीजर अगर आप उसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे डेफिनेटली जो है वह इवन हो जाएगा, और जब आप जो होता है उस इवन में जो होता है 1 ऐड कर दोगे तो क्या आ जा रहा है 7 आ जा रहा है 7, वहीं इस 12 में 1 ऐड कर दे रहे हो क्या आ जा रहा है 13 आ जा रहा है, तो 7 और 13 क्या है ऑड है। इसका मतलब देखो 2m हो गया, और 2m में जैसे ही आप 1 ऐड कर रहे हो तो क्या हो जा रहा है 1 ऐड कर रहे हो तो आपका क्या हो जा रहा है ऑड हो जा रहा है। ठीक है, तो आपको यही प्रूव करके देना है कि दुनिया में जितने भी पॉजिटिव इवन इंटीजर है वो सभी 2m के फॉर्म में होंगे, और जितने भी जो होता है पॉजिटिव ऑड इंटीजर है वो सभी 2m प्लस 1 के फॉर्म में होंगे। तो चलिए इसको प्रूव करते हैं। तो प्रूफ थोड़ा सा लॉन्गेज में लिखना पड़ता है, कुछ लॉन्गेज हमको छोड़ चलेंगे ताकि हम कंसेप्ट पे ज्यादा फोकस कर पाए। ठीक है, चलिए देखिए, मान लेते हैं हम मान लेते हैं दुनिया कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर उठा लेते हैं, लेट n मान लेते हैं, n बी एनी कोई भी एनी पॉजिटिव इंटीजर कोई पॉजिटिव इंटीजर है। अब क्या करते हैं, अब इस n को 2 से डिवाइड करते हैं। एक और बात समझिए, आप जब का होता है कि देखिएगा कोई भी इंटीजर है, ठीक है, आप अगर आप इवन नंबर को 2 से डिवाइड करते हैं भाई, आपका रिमाइंडर क्या आता है 0 होता है, वहीं आप ऑड नंबर को जब 2 से डिवाइड करते हो तो आपका रिमाइंडर क्या आता है 1 आ जाता है। आता है कि नहीं आता है, तो सारी चीज बात को याद रखिएगा। ठीक है, तो मान लेते लेट एन बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है। अब क्या कर रहे हैं, अब लेट एन बी डिवाइड, अब एन को जो होता है 2 से डिवाइड करते हैं, लेट एन बी डिवाइडेड बाई 2, एन को 2 से डिवाइड करते हैं, तो मान लेते हैं लेट कोशेंट, भाई 2 से डिवाइड करेंगे एन कोई नंबर है तो कोशेंट भी कुछ आएगा, रिमाइंडर भी कुछ आएगा, तो मान लेते हैं लेट क्यू बी, इसको क्यू मत मानिए क्योंकि यहां एम के फॉर्म में दिया है, एम ही मानिए, तो एम बी द कोशेंट, एम बी द कोशेंट एंड आर बी द रिमाइंडर। ठीक है, ओके, अब हमने पढ़े हैं कि जो यूक्लिड साहब हैं उनके द्वारा डिवीजन से रिलेटेड एक लेमा दिए थे, जो पहले से प्रूव्ड स्टेटमेंट है वो दिए थे, क्या दिए थे उनके अकॉर्डिंग क्या होता है, यहां देखिए, तो यहां पर लिख रहा हूं बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, यूक्लिड डिवीजन लेमा को क्या बताते हैं कि जो डिवाइडेंड होता है वह होता है डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। और उसने एक और चीज में बात बताए थे कि जहां पे जो है आर जो है वह या तो 0 आएगा डिवाइड करने के बाद, नहीं तो 0 से ज्यादा आएगा, लेकिन 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 जो डिवाइजर उससे कम आएगा, क्यों भाई, अगर उससे ज्यादा होगा डिवाइजर से ज्यादा रिमाइंडर होगा तो फिर उसको डिवाइड कर सकते हो, अगर डिवाइजर की इक्वल हो गया तो भाई तो और डिवाइड कर सकते हो, इसका मतलब रिमाइंडर उससे डिवाइजर से कम ही होगा लेकिन 0 से 0 या 0 से बड़ा होगा, तो इसको लिख सकते कैसे, ऐसे लिख देंगे, ठीक है बी। ठीक है, तो इसका मतलब है हमने इस एन को किससे डिवाइड किया है, n को भाई 2 से डिवाइड किया है, तो इसका मतलब है हमारा r जो है या तो 0 हो सकता है या 1 हो सकता है, 2 तो नहीं हो सकता क्योंकि हमने 2 से डिवाइड किया है, और पहले ही बोले डिवाइजर से कम होगा, इसका मतलब हमारा रिमाइंडर होता है 0 और 1 होगा, इतना बात की। ठीक है, ये किससे हमने लिया है, यूक्लिड डिवीजन लेमा से। अब देखिए, अब इस केस के अकॉर्डिंग, देखिए इसमें थोड़ा लॉन्गेज देखना पड़ता है, केस 1,
अब मान लेते केस वन में जो है अगर r इक्वल टू जीरो मान लेते, चलो भाई r इक्वल टू जीरो मान लेते हैं, तो n इक्वल टू क्या है, इसको n इक्वल टू क्या है, n इक्वल टू जो है इस फॉर्म में लिख दिया, तो हमको ये लिखना चाहिए, यहाँ पे छोड़ दिया मैंने, तो यहाँ पे लिखना चाहिए, यहाँ पे लिख रहा हूँ, यहाँ पे n जो हमारा क्या डिवाइडेंड है, और n इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिवाइजर क्या है टू है, और ये q क्या है, हमने इसको m माना ना, m से डिवाइड किया, क्वेश्चन जो क्या है m आएगा, तो 2m हो गया, और रिमाइंडर को हमने r माना है, ठीक है, तो ये वाला छूट गया था डिवाइड, कोई बात नहीं है, n इक्वल टू क्या हो गया, तो 2m प्लस r आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए हमने माना है कि फर्स्ट केस में r इक्वल टू जीरो भी हो सकता है, जैसे ही n r इक्वल टू जीरो 2m आ गया, इसका मतलब हमारा n इक्वल टू m n, तो आपको पहले ही बता दिया है कि अगर सोता है कोई भी नंबर है, कोई भी दुनिया कोई भी नंबर है, अगर आप उसको 2 से डिवाइड करते हो तो अगर वह इवन होता है तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, इवन हो गया, इवन हो गया। और केस 2 में लेते हैं, ठीक है, केस 2 में r तो 0 भी हो सकता है या 1 हो सकता है, ठीक है, r इक्वल टू 1, तो n इक्वल टू 2m प्लस r, तो n इक्वल टू क्या हो गया, 2m r इक्वल टू 1, 2m प्लस 1, देखिए ये 2m प्लस 1 ये क्या होगा, ऑड हो गया कि नहीं हो गया। देखिए यहां पे n जो है आपका पॉजिटिव हो या इवन हो उससे कोई मतलब नहीं है, जब हमने इसको 2 से डिवाइड किया देखिए कि रिमाइंडर 0 आ गया, इसका मतलब जो है ये इवन नंबर है, ये n जो नंबर है जब इसको हमने 2 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना आ गया, 1 आ गया, तो इसका मतलब ये नंबर जो है ऑड है, इसका मतलब जो है अब हमें समझ में आ गया, दुनिया में जितना भी नंबर है अगर 2 into m के फॉर्म में है तो वह इवन होगा, और 2m प्लस 1 के फॉर्म में होगा तो ऑड होगा, हमने प्रूव कर दिया। अब लास्ट में यही लिख सकते हैं कि एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर जो होता है वह 2m के फॉर्म में होता है, और एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर जो होता है वह 2m प्लस 1 के फॉर्म में होता है, जहां पे जो होता है m जो होता है कोई भी इंटीजर ले सकता है, वह इवन भी हो सकता है ऑड भी हो सकता है, ठीक है। तो प्लीज दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और आपको लगता है कुछ कमी तो वह भी कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें कि आपको इस पर थोड़ा ज्यादा फोकस करना पड़ेगा, ठीक है, तो हर चीज को मैं अपने आप अपने फीडबैक के अकॉर्डिंग अपने आप को इंप्रूव करूंगा, ठीक है, थैंक यू माय फ्रेंड्स।